आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सलमान खान की दबंग सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, पर क्या आपको पता है सलमान खान फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। अरबाज ने बताया कि चुलबुल पांडे के रोल के लिए इरफान खान और रणदीप हुड्डा डायरेक्टर अभिनव कश्यप की पहली पसंद थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने फाइनल नहीं किया था। रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में विजय देवराकोंडा भी अपना रिएक्शन दे चुके हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड की पोस्ट पर रिएक्ट किया है। विजय देवराकोंडा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर रश्मिका मंदाना के वायरल वीडियो के बाद सरकार से डीप फेक मामले पर कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद अब रश्मिका ने विजय की स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए लिखा, पूरी तरह से सहमत हूँ। विक्रांत मैसी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आईपीएस मनोज कुमार के साथ फोटो शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में आईपीएस को अपना हीरो, आदर्श और रोल मॉडल बताया है। बता दें कि विक्रांत ने जो फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है वह आईपीएस मनोज कुमार की पोस्ट है। इस पोस्ट में मनोज कुमार और विक्रांत की कई सारी फोटोज साथ में है। सारा अली खान ने गुरुवार रात अपने घर पर दिवाली पार्टी होस्ट की थी, जिसमें कई बी टाउन सितारों ने शिरकत की थी। वहीं अब सारा की दिवाली पार्टी की इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर सारा अली खान की दिवाली के बैश की फोटो शेयर की हैं, जिसमें वह सारा और अनन्या के साथ कई पोज देते नजर आ रहे हैं। प्रभास और कृति सैनन की फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने लिखे थे। आदि पुरुष को लेकर मनोज मुंतशिर की आलोचना भी हुई थी। अब मनोज मुंतशिर ने इस आलोचना पर रिएक्ट किया है। मनोज मुंतशिर ने एक इंटरव्यू में आदि पुरुष को अपनी गलती बताया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। हाल ही में झलक दिखला जा 11 के प्रोमो में तनिषा मुखर्जी ने कहा कि वे स्टार नहीं है। वहीं अब तनिषा ने खुलासा किया कि इस बयान पर उनकी बहन काजोल का रिएक्शन क्या था। उन्होंने कहा, हम एक बहुत मजबूत रिश्ता शेयर करती हैं। देखिए, काजोल मेरी हर बात के पीछे के इरादे को समझती है और मुझे यकीन है कि उसे मेरे ईमानदार और रियल होने पर गर्व है। हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है कि हम जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहें। टाइगर 3 इस दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 12 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। फिल्म ने 12.43 करोड़ रुपए की कमाई की है। टाइगर 3 के लिए यह पॉजिटिव रिस्पांस है। अभी फिल्म की रिलीज में 2 दिन बाकी हैं, जिसमें यह संख्या बढ़ सकती है। दीपिका पादुकोण को लेकर एक खास खबर सामने आई है। दीपिका की जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली रील इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखने वाली रील बन गई है। दीपिका पादुकोण के इस वीडियो पर 185 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अब दीपिका का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखने वाला वीडियो बन गया है। मेकर्स ने टाइगर 3 का पहला शो सुबह 6 बजे रखा। अब इस पर खुद सलमान खान ने बात की। मीडिया इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सुबह का पहला शो देखने जाएंगे, तो इस पर भाईजान ने बेहद मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो मिस कर जाएंगे, 6 बजे तो ठीक है, लेकिन 7 बजे के बाद तो ना फ्लाइट पकड़ी जाती है और ना ही फिल्म। साल 2023 में कई बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होकर जबरदस्त कलेक्शन कर चुकी हैं, लेकिन एक फिल्म का सिर्फ टीजर ही सब पर भारी पड़ गया है। हम बात कर रहे हैं प्रभास की मूवी सालार की। इसके टीजर ने YouTube पर धमाल मचा दिया है। इस साल सभी फिल्मों के मुताबिक सालार के टीजर को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। टीजर में प्रभास का चेहरा तक नहीं दिखाया गया है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।